राजाओं के जमाने की खेल तलवारबाजी में जिला के हिम गुरुकुल पब्लिक स्कूल लदरौर के नौनिहालों का प्रदर्शन देखकर हर कोई दंग रह जाता है। गत दिनों घुमारवीं में हुई प्रतियोगिता में स्कूल के बच्चों ने उम्दा प्रदर्शन कर प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में जगह बनाई है। स्कूल प्रबंधक राजेश ठाकुर ने बताया कि स्कूल के 11 बच्चों का चयन प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो कि खुशी की बात है। जिला हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले हिम गुरुकुल पब्लिक स्कूल लदरौर के बच्चों द्वारा तलवारबाजी प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों ने जिला स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में 18 बच्चों ने भाग लिया, जिनमें से 11 बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए हैं। वहीं अब बच्चों का चयन होने पर बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं छात्र सौर्य ठाकुर ने बताया कि घुमारवीं में आयोजित तलवारबाजी प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया और प्रतियोगिता में तलवारबाजी के कई गुर सीखने को मिले। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में जीत हासिल कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। मेरा नाम शौर्य ठाकुर है और मैं हिम गुरुकुल पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ। हम फेंसिंग के लिए घुमारवीं में गए थे। हमने वहाँ पे सीखा कि किस तरह फेंसिंग की जाती है। हम स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल से निकल के हम स्टेट लेवल तक पहुंचे गए हैं और हमारी ये इच्छा कि हम नेशनल तक पहुंचे। हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स और हमारे टीचर को हमारे ऊपर गर्व है कि हम पक्का जीत के आए। ये जो फेंसिंग कंपटीशन है ये उन्ना के मैडी डिस्ट्रिक्ट में है 30 और 31 तारीख को। वहीं हिम गुरुकुल पब्लिक स्कूल लदरौर के प्रधानाचार्य राजेश ठाकुर का कहना है कि तलवारबाजी प्रतियोगिता में 18 में से 11 बच्चों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जिसके लिए उन्होंने बच्चों को बधाई दी और उम्मीद जताई है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और गोल्ड मेडल जीत कर लाएंगे। माध्यमिक पाठशाला लदरौर के 18 बच्चे, जिनमें 4 लड़कियां और 14 लड़कों ने जिला स्तरीय फेंसिंग कंपटीशन, जिसे हम तलवारबाजी बोल सकते हैं, उसमें भाग लिया और उसमें से 11 बच्चे स्टेट के लिए सिलेक्ट हुए। मैं उन सभी 11 बच्चों को बधाई देना चाहता हूं एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आने वाले जो स्टेट कंपटीशन है, जो 30-31 को ऊना में होने वाला है, उससे भी गोल्ड मेडल जीत के उस विद्यालय के लिए लाएं और अपना और अपने साथ अपने विद्यालय का नाम ऊंचा करें और उनको एक बार फिर अपने विद्यालय प्रशासन की ओर से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद।